डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये अभी जो बिजली की कीमतों में हुकूमत इजाफा करती जा रही है, चले फ्यूल की प्राइसेस में तो थोड़ी बहुत कमी हो रही है, लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफा करके हुकूमत ज़्यादा पैसे आवाम की जेब से निकाल रही है, इम्पैक्ट भी नहीं आ पा रहा उसका। और दूसरा, आप चूंकि इंडिकेटर्स जो है वो स्टडी करते रहते हैं बड़ा कीनली, आप क्या हालात देख रहे हैं? देखिए, हालात अच्छे नहीं है मुल्क के। एग्रीकल्चरर्स को उनकी कीमत नहीं मिली, पानी है नहीं, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हीट वेव भी आई हुई है, दूसरी तरफ आपकी इंडस्ट्री कुछ अच्छी तरह रिवाइव नहीं की, फ्यूल प्राइसेस आपने खुद ही बताया कि 15 दिनों में तो उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, कि अभी तो चीजें बन के आ गई होती हैं बाजार में, तो वो पुरानी कॉस्ट पे चलती हैं। ये इसका शायद एक महीने पे तो आए वरना नहीं आएगा। बाकी है कि हुकूमत खुद एक हिस्सेदार बनी हुई है और वो हर लिहाज से अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश कर रही है, डिफिसिट आया हुआ है, टैक्स कलेक्ट हो रही है, FDR जो है उसकी अपनी कमजोरियां है, अमीर आदमी देने को तैयार नहीं है टैक्स जो तो ये एक और अजीबोगरीब मुल्क है कि जहाँ बिजली चोरी जो है वो जो टैक्स जो बिल देता है उसके ऊपर डालते हैं, और अभी और महंगी करी जा रहे हैं। IPP का जो वो उनसे जो मुआवजे किया उनको भी रीस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं। IMF की बातें भी माननी है, वो भी कह रहे हैं कि ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इकोनॉमी के बारे में उस तरीके से सीरियस हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ये अब मिनरल्स बेचेंगे, सऊदी अरब और UAE को कह रहे हैं कि इन्वेस्ट कर ले, वो वादे कर रहे हैं, अभी तक इन्वेस्ट उन्होंने किया नहीं है। चाइना जो है उनके पास गए हैं रिस्ट्रक्चर करने के लिए। IMF कहता है कि IMF के पैसे चाइना कॉरिडोर पे नहीं खर्च हो सकते, तो पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। आप अपनी जो बच्चे हैं, जो आपके एसेट है, यूथ है, उसको सीरियसली प्रोडक्टिव बना नहीं रहे, आप अपनी जमीन को प्रोडक्टिव बना नहीं रहे, आप अपने जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है लिंक नहीं कर रहे इंटरनेशनल मार्केट से। 52% आपके जो GDP है वो सर्विस सेक्टर से आती है, वो भी आपको डॉलर नहीं कमा के दे रही। तो ये सारी इनएफिशिएंसीज जो है जब होंगी, जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, जब तक गवर्नमेंट एक, लेकिन डॉक्टर साहब मौजूदा हालात में आपको मुस्तकबिल करीब में, चले मैं नहीं कहता एक साल में, 2 साल में या 3 साल के अंदर, आपको लग रहा है कि चीजें किसी तौर भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सकती हैं? एक जानब IMF की बड़ी टफ कंडीशंस हैं, फिर हमारे दोस्त ममालिक जो माजी में हमें काफी सपोर्ट कर चुके हैं वो भी देख रहे हैं कि हम कुछ पॉजिटिव यहाँ पर नहीं कर रहे, वो कब तक हमारा बाजू पकड़ेंगे, कब तक हमें आगे धकेलते रहेंगे कि हम कुछ ना कुछ कर लें, उनकी भी एक लिमिट है। फिर उनके अपने मामला आते हैं, सऊदी अरब में भी इस वक्त भी मौसमी हालात बहुत बेहतर नहीं है, उन्होंने नियॉन सिटी के बजट्स को कट करना शुरू कर दिया, इट मींस के सऊदी अरब भी हमें पैसे ज्यादा देने में कंफर्टेबल नहीं होगा। फिर चाइना के अपने CPAC के वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले चाइना को, जो चाइना एक्सपेक्ट कर रहा था, अब 10 साल से ज्यादा अरसा CPAC को हो गया। ऐसे में मतलब दोस्त ममालिक की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिल रही, फिर IMF भी टफ कंडीशंस करता जा रहा है, हुकूमत सीरियस नहीं है, तो अगले 2-3 साल में कुछ पॉजिटिव हो सकता है आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा? देखिए, जब तक आप यहाँ के जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक सीरियस 5 साल की पॉलिसी नहीं देंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, चीजें टैक्स लगाने से कभी पॉजिटिव नहीं हुआ करती, ना डिमांड साइड बढ़ती है ना सप्लाई साइड कंफर्टेबल रहती है। जब डॉलर महंगा होगा तो शायद आप समझेंगे कि एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी, वो कंपेटिटिव नहीं है। जब डॉलर सस्ता होता है तो इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं, वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स जो है उनको फेवरेबल। बात ये है कि दुनिया को तो पता है ना कि आपकी जो गवर्नमेंट आई है वो पार्शियल डेमोक्रेटिक तरीकों से आई है, वो एब्सोल्यूट आवाम के मैंडेट से नहीं आई, तो वो कैसे ट्रस्ट करें।